नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में एक वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे जो कि निकल के आ रही है आपका टाटा स्टील की तरफ से। ये जो वैकेंसी का नाम है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, AEP एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम टाटा स्टील की तरफ से निकाला गया है। इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस वैकेंसी के लिए और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल बना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सभी आप सभी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट इतने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं और हमारे नानी एजुकेशन चैनल को आप बहुत बड़ा चैनल बनाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पर मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं इसी अपडेट में। देख सकते हैं आप यहाँ पे एस्पायरिंग इंजीनियर्स का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोग्राम, ठीक है, जो कि डेट रिलीज किया गया है आपका 8 तारीख की डेट में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशन होने वाली है वो आपका, अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर ठीक है। आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है, आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई करें। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं तो उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिंपली आपको बता दिया जाए तो जिन्होंने BE/BTECH किया है, ठीक है, यहाँ पे देख पा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली जॉइंट 2nd ईयर इंजीनियरिंग। यानी आपने अगर डिप्लोमा करके BTECH ज्वाइन किया है 2nd ईयर से, ठीक है, डिप्लोमा आपने 3 साल का किया हो, ठीक है, डिप्लोमा 3 इयर्स का किया हो और डायरेक्ट ज्वाइन किया आपने 2nd ईयर में, यानी 2nd ईयर से, 4 साल का BTECH जब होता है ना तो अगर आपने 2nd ईयर में ज्वाइन किया है तो यानी 3 साल का आपका BTECH होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल का BTECH दोनों होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस पे एलिजिबल हो। अगर आपने BE/BTECH किया है या BSc इंजीनियरिंग किया है तो इसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी। ओके, यहाँ पे आपको क्लियरिटी दिख रही होगी। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन से कुछ कुछ उसके बारे में बात किया जाता है। इसमें कि मस्ट हैव अटेंडेड फुल टाइम AICTE UGC, आप रेगुलर से होना चाहिए, आप कोई भी डिस्टेंस या नॉन अटेंडिंग वाले स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, आप रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा करके BTECH किए हुए होने चाहिए। यहाँ पे देखिए BE/BTECH वाले कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको मिनिमम 6.5 स्कोरिंग CGPA होना चाहिए, 65% स्कोरिंग परसेंटेज होना चाहिए BE/BTECH या BSc इंजीनियरिंग में, ठीक है। 4 ट्रांसजेंडर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस जो होगा इस वैकेंसी के लिए, जो मेन प्रेफरेंस है कौन कौन से स्टेट के एलिजिबल है, तो वो आपको बस झारखंड और उड़ीसा वाले स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पे इसके ऊपर में एक चीज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन टू बी सिलेक्टेड फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मस्ट हैव कंप्लीटेड और शुड बी फाइनल ईयर स्टूडेंट इन BE/BTECH। ये जो वैकेंसी आपका बता दिया गया BE/BTECH के लिए या BSc के लिए है, ठीक है, कौन कौन से ब्रांच में आपने BE/BTECH या BSc किया होना चाहिए, आपको IT ब्रांच में या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप MCA MSc भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर MCA MSc भी कर रहे हैं, मस्ट हैव कंप्लीटेड और शुड बी इन फाइनल ईयर MCA MSc, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी ब्रांचेस में आपको MCA MSc कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या कंप्लीट भी कर लिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात किया जाए यहाँ पे जो प्रोग्राम डिटेल्स है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल प्लेस इन इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। सेकंड चीज है कि द ट्रेनी विल बी सब्जेक्टेड टू एवेल्यूशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग जितना भी होगा वो आपको रेगुलर होना होगा, जितना भी 1 साल का ट्रेनिंग है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग देयर दे विल बी कंसिडर्ड फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, आपको यहाँ पे कुछ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। कितने साल के लिए? एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 ईयर्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। आप अगर ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग कर लेते हैं 1 साल का, उसके बाद आपको 3 साल के लिए आपको मैनेजर के पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आपको फिक्स कर दिया जाएगा टाटा स्टील में, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वैकेंसी के ऊपर। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, फंक्शंस बता दिए, प्रोग्राम क्या होने वाला है ये भी बता दिए, एज जो होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एज क्वालिफिकेशन जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल होना चाहिए आपको 1 फरवरी से 2023 तक के बीच में, ठीक है। फॉर ट्रांसजेंडर PWSC ST कोटा के लिए आपको 32 साल होना चाहिए 1 फरवरी तक के बीच में, ठीक है। इतने तक में आप अगर हैं तो इसमें आप
अप्लाई करना कर सकते हैं, ठीक है। आप 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप SC ST ट्रांसजेंडर और PWD कैंडिडेट के लिए। कब तक? 1 फरवरी 2023 तक में आप होने चाहिए इतने इतने के, ठीक है। एमोलमेंट जो मिलेगा यानी आपको जो स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंजीनियर ट्रेनिंग विल बी ऑफर्ड इंक्लूसिव ऑफ 30,000। जो भी इस एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम को अप्लाई करेंगे वो आपको 30,000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग के दौरान ही, एक साल तक आपको 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा यानी स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल क्लेम भी मिलेगा 2.5 लाख का, ठीक है, पर एनएम हर साल, ठीक है। साल में आपको 2.5 लाख का क्लेम भी मिलेगा और OPD कवरेज भी मिलेगा आपको 6,000 पर एनएम, ठीक है। उसी तरह से आपको जो थर्ड है मैं वही चीज़ बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6.24 लाख पर एनएम अलोंग विथ अदर पर्क्स भी आपको मिलेंगे जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया लेंगे आप, ठीक है। और आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आपको 3 साल के लिए पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और जो गाइडलाइंस आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, द टाटा स्टील अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड इनकरेजेस कैंडिडेट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई, ठीक है। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, पार्शियल डिसेबिलिटी, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफर टू एनी डिविजन्स, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या करा जाएगा, या तो उनका किसी भी अदर टाटा स्टील का अदर डिवीजन में भेज दिया जाएगा, या फिर कोई भी ज्वाइंट वेंचर कंपनी में भेज दिया जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है, बिफोर अपॉइंटमेंट। उसके बाद टाटा स्टील एम्प्लॉयमेंट परमानेंट रोल आर नॉट एलिजिबल, इसमें आपको परमानेंट रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। रिइंबर्समेंट रिलेटेड टू द ट्रैवल विल बी कैंडिडेट फॉर द, यानी जब आप ट्रेनिंग में अप्लाई करने जाएंगे तो उस टाइम आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे किए जाएंगे, आप जाएंगे इंटरव्यू देने तब, ठीक है। कैंडिडेट हु आर फाउंड नेग्लिजिबल एज पर द लेड डाउन द क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ द प्रोसीड्यूर, यहाँ पे वो क्या कह जाएंगे, अगर आप गलत पाए जाते हैं, आपका कोई भी सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ठीक है। इस वाले लिंक पे इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर रहिएगा। इस पे आपको लिंक पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का नहीं तो हमको एक वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से भरना है। लास्ट डेट ऑफ जी एप्लीकेशन का वो आपका 3 तारीख तक है, ठीक है। 3 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको 3 तारीख तक अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे वो आपका टाटा स्टील का करियर पेज पे आपको मिलते रहेगा सारा कुछ। एवेल्युएशन प्रोसेस जो बात अगर होता है, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको कॉग्निटिव होगा, ठीक है, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट होगा, ओके। दूसरा जो चीज़ होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो आपको बुलाया जाएगा, या तो आपको बुला करके इंटरव्यू होगा, ठीक है, या तो आपको वर्चुअल मीडिया में आपको इंटरव्यू होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट नोटिस में आप यहाँ पे सिंपली पढ़ पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन ऑफ द टाटा स्टील जो भी, ये नॉर्मल है, आपको जो भी ईमेल करना है यानी जो भी क्वेरी चाहिए आपको इस मेल पे आपको मिलते रहेगा, इस मेल से आपको मिलते रहेगा, आप इसमें मेल करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए होगा इस एस्पायरिंग इंजीनियर्स के वैकेंसी वाले के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।